आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला रामपुर के ब्लॉक स्वार के नवाबनगर टांडा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 28 किलोमीटर तो ब्लॉक से 20 किलोमीटर है। इस गांव के प्रधान अली आजम हैं। बताते चलें कि यह अपने अच्छे कार्यों के कारण तीसरी बार प्रधान चुने गए हैं। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान इस बार फिर चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में काफी अच्छा विकास कराया है। चार वर्ष में किस तरह से विकास हुआ है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की जबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक स्वार के नवाबनगर टांडा गांव में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं प्रधान जी। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। चार साल आपके कार्यकाल में जो है बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने गाँव में अब तक करवाए हैं? और नाला बनवाया है, सीसी रोड डलवाया है, इंटरलॉक भी डलवाई है। नवाबनगर में काफ़ी काम हुआ है, सही नगर में भी काफ़ी काम हुआ और थोड़े बहुत रह गए तो आप हो जाएंगे। अभी टाइम है थोड़ी हो गई काम जी जी आवास मिले हैं? नहीं, आवास नहीं मिले आज तक, कोई आवास नहीं मिला। सरकार की योजनाओं का लाभ आपके गांव में सभी लोग ले पाते हैं, जैसे उजाला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जो मुफ्त में हुए हैं? सबको, सभी के मिले? हाँ, सबको। किसानों के खाते में सम्मान निधि का पैसा आया है? जी हाँ, ये आया, नहीं पैसा नहीं आया, ये जो है शौचालयों का भी जो आया था, ये हमने बनवाए थे जी। नहीं, किसानों के खाते में जो सम्मान निधि का पैसा आया है वो उनके खाते में आया है? बीजों पर सब्सिडी और बीमा वगैरह ये सब वो भी आया है, और ये भी आया जो 2000 जी जी, ये भी आया। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट वगैरह लगवाई? सोलर लाइट नहीं लगवाई मैंने, यहाँ रास्ते की बहुत परेशानी थी पहले। अच्छा, तो रास्ते कूड़ेदान लगवाए? हाँ, कूड़ेदान। यहाँ पर जो है 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा मिल जाती है समय पर? फौरन। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है? बढ़िया, साफ सफाई कर्मी जो है नियमित आते हैं, रोज आता है। सरकारी बिल्डिंग में स्कूल के अलावा बारात घर है? नहीं, बारात घर नहीं है। पंचायत भवन? नहीं, पंचायत भवन में है, जूनियर और प्राइमरी दोनों। स्कूल है? आंगनबाड़ी केंद्र? नहीं है, नहीं अब वो नवनगर में है। नवनगर में है, यही का आंगनबाड़ी केंद्र वहीं पर लगता है जी। यहाँ से अस्पताल कितनी दूरी पर होगा? अस्पताल तो है ना 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर आने के लिए, विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहते हैं? अब तो है नहीं, ये कि हमारे यहाँ आवासों का होना चाहिए जी। कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्हें आवास चाहिए? कई आवास हैं तो कुछ तो बेचारे ऐसे 25-27 बहुत नीचे परेशान है। परिवार 200 परिवार ऐसे हैं दोनों में, बहुत परेशान है। इसके अलावा और क्या कहना चाहेंगे? अब है नहीं, ये जो आ रहा है लगा रहे हैं उससे ये ना कि कोई हमारा तो और हिसाब है अपना, कोई ये ना जैसा किसी का वो करें कुछ देन। सरकार जो काम जो कर रही है, सरकार जो योजनाएं चला रही है उससे आप संतुष्ट हैं? जी जी संतुष्ट, ऐसी बात। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास प्रधान द्वारा यहाँ करवाया गया है। सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, यहाँ पर आवास भी कुछ लोगों को मिले हैं, लेकिन अभी भी 20-25 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की आवश्यकता है। यहाँ पर जो प्रमुख मांग रखी गई है वो बारात घर पंचायत भवन को लेकर है, जो कि अभी तक इस ग्राम पंचायत में निर्मित नहीं है। अच्छा, के साथ नाजरीन टुडे 24।